हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक पैरासाइट के बारे में जिसका नाम है उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इस पैरासाइट का कॉमन नेम फिलेरिया बैंक्रॉफ्टी भी है, जिसका अपीयरेंस इस तरह का दिखाई देता है जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे इसका जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कि ये कहाँ पर मिलता है, जिसमें सबसे पहले ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, और इंडिया के अंदर ये राजस्थान, पंजाब, यूपी और दिल्ली जैसे स्टेट में हमें देखने को मिलते हैं। आगे हैबिटेट के ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसमें है एडल्ट वर्म, लिम्फेटिक वेजल्स और लिम्फ नोड्स में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी और एक्सटर्नल अपीयरेंस, इसमें एडल्ट वर्म लॉन्ग हेयर लाइक ट्रांसपेरेंट निमेटोड होते हैं, इसका दिखाई देने में हमें एक लॉन्ग हेयर लाइक दिखाई देते हैं और इसका कलर क्रीमी वाइट होता है और इसका शेप फिलीफॉर्म और इसके दोनों भी एंड टैपरिंग होते हैं। एडल्ट वर्म के दो टाइप्स है, एक है मेल और दूसरा है फीमेल। मेल है जिसकी लेंथ 2.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ 0.1 मिलीमीटर होती है। इसकी टेल कर्व होती है वेंट्रली और इसे दो स्पैकल्स प्रेजेंट होते हैं। यू कैन सी इन द फिगर मेल के वेंट्रली जो है कर्व टेल प्रेजेंट होती है, जबकि फीमेल के वेंट्रली सिर्फ पॉइंटेड टेल प्रेजेंट होती है। फीमेल की लेंथ 8-10 सेंटीमीटर होती है और 0.2-0.3 मिलीमीटर ब्रेथ होती है। फीमेल जो एम्ब्रियोस लिबरेट करती है वो ओवोविविपेरस होते हैं, यानी कि जिसके अंदर फुली डेवलप एम्ब्रियो और माइक्रोफिलेरिया प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका माइक्रोफिलेरिया और एम्ब्रियो। माइक्रोफिलेरिया जो है लंब के थ्रू से ब्लड के अंदर पास होते रहते हैं, जिसकी लेंथ 290 माइक्रोमीटर और 6-7 माइक्रोमीटर ब्रेथ होती है। इसकी लाइफ स्पान 70 डेज तक होती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोफिलेरिया। इसे हाइलिन शीथ प्रेजेंट होती है आउटरली, यह है सिफेलिक स्पेस, इट इज़ अ नर्व रिंग, इट इज़ अ एक्सटीरियर सेल पोर, यह है जेनिटल सेल फर्स्ट और यह है जेनिटल सेल सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट हम देखेंगे इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल के बारे में। दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल दो होस्ट में कंप्लीट होती है। पहला है डेफिनेटिव होस्ट जो कि ह्यूमन बींग्स है, और दूसरा होते हैं इंटरमीडिएट होस्ट जो कि फीमेल एनाफिलस क्यूलेस और एडेस मॉस्किटो होते हैं। इस पैरासाइट का एडल्ट वर्म ह्यूमन बॉडी के लिम्फैटिक सिस्टम में प्रेजेंट होता है, जबकि इसका माइक्रोफिलेरिया और एम्ब्रियो ह्यूमन बॉडी के पेरिफेरल सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। पहले हम इसके देखेंगे मॉस्किटो स्टेज, जिसमें सबसे पहले जब भी मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन से ब्लड मिल लेता है तो उसके थ्रू से शीतित माइक्रोफिलेरिया मॉस्किटो के बॉडी में आ जाते हैं। फिर इसके बॉडी में आने के 2 घंटे के बाद शीतित माइक्रोफिलेरिया का आउटर जो शीत प्रेजेंट होता है वो उसकी बॉडी से अलग हो जाता है, और फिर वो वहाँ से माइग्रेट करके मॉस्किटो के थोरेसिक मसल की तरफ आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद वो रेस्ट करते हैं और अपने आप को ग्रो करने लगते हैं। ये अपने आप को ग्रो करके लार्वा में कन्वर्ट होते हैं, जो कि 3 स्टेजेस से बनता है, जिसमें सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेज लार्वा होता है वो 2 दिनों के बाद बनता है, जो एक स्नैक लाइक ऑर्गेनिज्म की तरह दिखाई देता है, जिसकी लेंथ 24-250 माइक्रोमीटर होती है और 10-17 माइक्रोमीटर ब्रेथ हो सकती है। फिर जो फर्स्ट स्टेज लार्वा अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है सेकेंड स्टेज लार्वा में 3-7 दिनों के बाद, फिर जो सेकेंड स्टेज लार्वा है वो 10-14 दिनों के बाद और 10-11 दिनों के बाद अपनी मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट कर लेता है। फिर उसके थ्रू से उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी कैविटी और दूसरे जनरल ऑर्गेनम डेवलप्ड हो जाते हैं। जो थर्ड स्टेज लार्वा होता है उसकी लेंथ 1500-2000 माइक्रोमीटर और 18-20 माइक्रोमीटर ब्रेथ हो सकती है, और यही थर्ड स्टेज लार्वा ह्यूमन बॉडी के लिए इन्फेक्टिव होता है। जब इस लार्वा का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है तो ये आ जाता है मॉस्किटो प्रोबॉस की तरफ, यानी मॉस्किटो के डंक की तरफ, और यहाँ पे आके रुक जाता है। और जब भी मॉस्किटो कोई ह्यूमन बींग को बाइट करता है तो उसके थ्रू से ये लार्वा भी उस बॉडी के पार्ट पे डिपॉजिट हो जाता है स्किन पर। फिर यहाँ पे आने के बाद वो बॉडी के अंदर चला जाता है, वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है। फिर लिम्फैटिक सिस्टम में आने के बाद ये अपने आप को डेवलप करके कन्वर्ट हो जाते हैं एडल्ट वर्म में। फिर नेक्स्ट
5 से 10 महीने के बाद ये अपने आप को सेक्सुअली मैच्योर कर लेता है। फिर इस तरह मेल फीमेल को फर्टिलाइजेशन करता है, उसके बाद माइक्रोफिलारिया प्रोड्यूस होता है। फिर माइक्रोफिलारिया थोरैसिक डक्ट से पल्मोनरी कैपिलरी की तरफ आ जाता है, फिर वहाँ से आकर वो पेरीफेरल सर्कुलेशन की तरफ आ जाता है। इसी तरह से इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती रहती है। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी कि इसका डिसीज़, ये कौन सा डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकता है बॉडी में आने के बाद, जिसमें सबसे पहला है उचिरेरियासिस और फिलारियासिस। ये डिसीज़ प्रोड्यूस होता है अडल्ट वर्म की वजह से, जो कि लिविंग और डेड दोनों भी हो सकते हैं। जो लिविंग अडल्ट वर्म होता है वो एक डिसीज़ प्रोड्यूस करता है जो कि ऑकल्ट फिलारियासिस, जिसका नाम है ऑकल्ट फिलारियासिस। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है थ्रू बाइट ऑफ मॉस्किटो, और इसका ट्रांसमिटिंग एजेंट है जो कि बॉडी में ट्रांसमिट करता है इसका डिसीज़, वह क्यूलेक्स एडेक्स और एनोफिलस मॉस्किटोस। और इसके डिसोर्स प्रोड्यूस होने के साइट है लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज। नेक्स्ट, इसका इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 11 ईयर हो सकता है, और इसका अफेक्टेड ऑर्गन इस तरह फिगर में आप देख सकते हैं, इस तरह का होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे लिम्फेंजाइटिस, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेजल्स। इसके साइट है लिम्फेटिक ऑफ टेस्टिकल्स। डर्मा टेस्ट, जिसमें इमीडिएट हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हमें देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट फॉर CAFT, दैट इज अ सेंसिटिव टेस्ट फॉर लायसिस और ऑकल्ट फिलारियासिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।